हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास फिफ्थ का हिंदी फर्स्ट चैप्टर थर्ड। चैप्टर नेम है सेगान। सेगान एक किसान का नाम रहता है। इसमें सेगान के बारे में बताया गया है कि सेगान बहुत ही मेहनती और बलवान है। पेज नंबर 20 तक हम इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, आज हम पेज नंबर 21 पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। उस वक्त मैं उससे क्या कहता, आम के पेड़ तले बैठा सेगान शायद उस समय शीतला के प्रकोप के बारे में सोच रहा था जो उसके बेटे को उठा ले गया था। एकाएक उसने सिर उठाकर मुझे गौर से देखा, फिर वह बोला, क्यों बाबूजी, आप सोचते हैं कि मैं बिना खेती किए जमीन को बंजर बनाए रखूँगा? मेरे जीते जी यह न होगा। इस जमीन में नमी नहीं है, इसकी मिट्टी खुश्क है। 7-8 बार इसमें बकरियों का झुंड बैठाना होगा, क्यों है ना? वो बताता है, सेगान बताता है कि मैं बिना खेती किए नहीं रह सकूंगा और इस ज़मीन को बंजर नहीं रहने दूंगा। शाम हो रही थी, चलिए अब अंधेरे में ही घर लौटना होगा बाबूजी। यह कहकर सेगान आगे रास्ता दिखाते हुए तेजी से घर की ओर चल पड़ा। क्यों बाबू, खेती का काम मुझसे लेने की सोच रहे हो? वो पूछ रहा है, आगे चलते हुए रास्ते में पूछ रहा है कि आप हमसे खेती का काम लेना चाहते हैं? मेरे जीते जी कोई दूसरा आदमी उसमें हल जोतेगा, यह भी कहीं हो सकता है। कौन ऐसा माई का लाल है जो मेरी ज़मीन में पैर रखने की हिम्मत रखता हो? वो कहता है कि मेरे जीते जी, आप किसी दूसरे आदमी को मैं इस खेत में मत आने दीजिएगा, और कोई ऐसा नहीं है जो मेरे रहते इस ज़मीन पे पैर रख सकता है। कुछ देर तक वह चुपचाप चलता रहा। मेड़ पर ठोकर लगने के कारण किसी खेत की कीचड़ में मैंने पैर रख दिए। अरे क्या हुआ, अच्छा चलिए नाले में धो लेंगे। 40 वर्षों से मैंने इन हाथों से मेड़ बनाई, नाले और नालियाँ बनाई। बड़े बाबूजी आज होते तो मुझे निकालने का सपने में भी ख्याल न करते। मैंने इस ज़मीन को अपनी आँखों की पुतली की तरह रखा है, सेगान इस तरह कहता जा रहा था। अचानक बोल उठा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। सेगान कहता है कि मैं इस ज़मीन में नाले नालियाँ मैं बनाया हूँ और मैं इस ज़मीन पे बहुत मेहनत किया हूँ। अगर बाबूजी आपके पिताजी होते तो मुझे इस खेत से निकालने की सोचते भी नहीं, और मैं इस ज़मीन को अपने आँखों की पुतली मतलब अपने से ज़्यादा इसे मैं प्यार से रखा हूँ। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने मन में एक निर्णय पर पहुंच गया। मैंने कहा, मैंने तुमसे खेत छोड़ने के बारे में कोई बात ही नहीं कही। वे बताते हैं कि मैं तो तुमसे खेत छोड़ने के लिए अभी कहा भी नहीं। वही तो कह रहा हूँ, मैं खाऊं या आप खाएं, इसमें कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा? मैं इस खेत में चोटी का पसीना एड़ी तक बहाता हूँ। कौन ऐसा है जो रात दिन मेरी तरह हार में पड़ा रहे? क्या कभी किसी साल मेरी धरती में चोरी हुई है? धान कभी सूखा है? धरती उसर पड़ी है? इस खेत में मेहनत करते हुए मुझे मरना है, इसे छोड़ूं तो मर जाऊं। वह कह रहा है कि मैं इस धरती पे बहुत मेहनत किया हूँ, इस खेत में बहुत मेहनत किया हूँ, इस खेत में कभी चोरी नहीं हुई है, कभी सूखा नहीं पड़ा है, और अगर आप मुझसे ये खेत ले लेंगे तो मैं मर जाऊंगा। अगले दिन तड़के 5 बजे उठकर जब मैं दातून करते हुए खेतों की तरफ गया, तब सेगान बुलंद आवाज़ में गाते हुए ढेकुली से खेत सींच रहा था। बांस के पत्ते पर सोने वाली ओस सबनम की बूंद, सोई ओस की बूंद को हरने वाले ओ सूरज, वो गीत गाते हुए अपने खेत को सींच रहा था। गाने की ध्वनि मेरे कानों में पड़ी। काम में व्यस्त होने के कारण उसने मेरी ओर आंख तक नहीं उठाई। क्यों जी, सेगान से आपने कह दिया ना कि इस फसल के कटते ही उसे ज़मीन छोड़ देनी होगी? मेरे मित्र ने पूछा। आत्माभिमान के साथ सिर उठाकर मैंने जवाब दिया, नहीं जी, मुझसे यह नहीं कहा जाएगा। सेगान जितना कुछ धान मुझे देगा उतना ही काफ़ी है। वो उसकी मेहनत और लगन देखकर उससे खेत न लेने का फैसला कर चुके थे, और वे अपने मित्र को मना कर दिए कि मैं उससे खेत नहीं ले सकता। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आप इस चैप्टर को पढ़िएगा, ये आपका होमवर्क है। प्रश्न अभ्यास में हमने क्लास में प्रश्न अभ्यास आपको कराएंगे।
क्लास ओवर होती है। थैंक यू।